और आई हुई है मोबाइल लेने के लिए, क्योंकि हमारे 100 के सब्सक्राइबर पूरे हो गए और मेरा चैनल जो है वो भी मोनेटाइज हो गया है। तो इसी खुशी में हम यहाँ से मोबाइल लेंगे। इन्होंने सारे यहाँ पर मोबाइल रखे हुए हैं, हम चेक कर लेंगे कौन सा ज़्यादा अच्छा बैटरी है। तो यहाँ से हम आगे जाके ले लेते हैं। भैया आपके वाला ये मेरी मामा के पास मोबाइल है। साढ़े 5,000 क्या लिखा था नहीं हुआ, ये नया आया जो दफा। हम पिकनिक पर जा रहे हैं, तो पिकनिक पे जाने के लिए जो है हम यहाँ से सामान लेने हैं, वेट करने लगे हैं। ऐसे बहुत तंग डालेंगे। हो गया। अब पापा खड़े होंगे, देखते कितना आएगा पापा का वजन। 76 मामा जी आपका ज्यादा। मेरा कम है, मामा का कम है, बहुत कम है मेरा। हाइट बता रहे हैं, ऊपर चढ़ गया। साई का भी दुआ का वेट चेक करने लगे हैं। यहाँ पर ये चल रहा है, हो गया। चलो मैं खा लूँ। 41.6 अच्छा, फीमेल 2 ये सेकंड फर्स्ट बस हो गया। अब सीधे अब सीधा मुंह करो अपना। ये देखा अपना घर दिखाने के लिए दादा ऊंची हो रही है, वो ऊंचे कह रही है। ठीक है, अब हम जो है वो शुभ आए हुए हैं। यहाँ से हमने शॉपिंग करनी है, मेरे कपड़े और पापा के, भैया के और मामा के कपड़े लेने के लिए। और उसके बाद जो है वो हम मदाई मॉल जाएंगे, वहाँ से मामा मुझे जो है वो बैग लेकर देंगी 1000 सब्सक्राइबर पूरे होने की खुशी में। क्या पसंद है दिखाओ। कौन सा ब्यूटीफुल आप सब कैसे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रहे हैं अपने न्यू मोबाइल की पिक्चर या वीडियो, कुछ भी समझ लो, जो पापा ने मुझे जो है वो गिफ्ट किया है। मेरे 1K सब्सक्राइबर जो है वो कंप्लीट हो गए हैं, तो आप देख सकते हैं A10s मेरा सैमसंग का मोबाइल। तो अब हम थोड़ी देर तक इसे जो है वो ओपन करेंगे। बाय। ये मुझे मेरी मामा ने शंता जो है वो गिफ्ट किया है, मेरे साथ मेरे स्पार्कल्स लगाए हैं स्टार शेप में। तो अब हम चलते हैं अपने मोबाइल की ओपनिंग की तरफ। तो यहाँ से अब हम कट करेंगे ब्लेड की मदद से। तो ये मैंने अब कट कर लिया है, तो अब हम इसे जो है ओपन करती हूँ। तो अब मैं इसे जो है ओपन करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा न्यू मोबाइल। तो ये इसका तो इसका कवर है, तो अब मैं अपने मोबाइल को निकालती हूँ। साथ चार्जर है और ये पता नहीं क्या है,
ये मैं पूछूंगी, मेरा रेड कलर का मोबाइल और रेड कलर का बैग, तो मैं इसे ओपन करती हूँ। बैग जो है वो मेरी मामा ने लेकर दिया, मोबाइल जो है मेरे पापा ने लेकर दिया है 1K सब्सक्राइबर की खुशी में। तो अब हम इसके ऊपर से जो है वो रैप को उतारते हैं। नेल पॉलिश भी मैंने रेड कलर की लगाई है, तो मैं ओपन करती हूँ। कितना प्यारा है, ये देखें अभी पावर ऑन हो रहा है। जब तक ये पावर ऑन होता है तब तक हम इसका कवर देख लेते हैं। ये कवर जो है इन्होंने साथ गिफ्ट किया है, तो इसके अंदर कुछ जो है इन्होंने नोट्स दिए हैं। इस दफा तो उन्होंने कवर ही नहीं दिया। जब भी हम मोबाइल लेते हैं मामा का, पापा का या फिर किसी का भी, तो साथ ही कवर देते हैं। इन कंजूसों ने इस दफा कवर ही नहीं दिया, तो अब यहाँ पर इसे पता नहीं क्या करेंगे, मैं पापा से करवाऊंगी। 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट होने की खुशी में पापा हमें जब आउटिंग के ऊपर लेकर जा रहे हैं, तो यहाँ पर हम जो है वो सामान को पैक कर रहे हैं। ब्लैंकेट को, पिलो, मैट्रेस को, सबको जो है वो हम एयर टाइट कर देंगे। इससे गाड़ी में जो है वो सामान कम स्पेस लेगा और हमारे साथ जो है वो रास्ते में ट्रेजडी हो गई। और हम रास्ते में जो है वो बहुत सी जगहों के ऊपर गए, हम अभा गए। अभा में हम जो है वो सुधा पार में गए थे, वहाँ पर जो है वो बहुत ही ठंडा ठंडा मौसम था और हमें बहुत ही मजा आया। फिर हम उसके बाद अलबाहा गए, फिर हम वहाँ से मिसान और फिर ताइफ चले गए। मिसान के रास्ते में हमारे साथ जो है वो ट्रेजडी हो गई थी, तो इसलिए हम जो है वो ताइफ गए। फिर ताइफ से हम अगले दिन जो है वो दोबारा मिसान चले गए। हमारे साथ जो ट्रेजडी हुई है वो देखने के लिए आप हमारी जो है वो पूरी वीडियो देखना। तो अब हम सफर के ऊपर जाने लगे हैं। तो अब हम सुधा माउंटेन के लिए जो है वो सफर स्टार्ट कर रहे हैं। रास्ते में हमें जो है बहुत मजा आया, हमने बहुत इंजॉय किया। अभा के रास्ते में आप देख सकते हैं कितनी फॉग है, गाड़ियाँ जो है वो भी कितनी थोड़ी थोड़ी नज़र आ रही थी। हम फॉग के अंदर से गुजर रहे थे, हमें फॉग में जो है बहुत मज़ा आ रहा था, हम बहुत इंजॉय कर रहे थे। और गाड़ियाँ जो है वो भी आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी, क्योंकि आगे वाली गाड़ियाँ जो है वो नज़र नहीं आ रही थी। पापा ने भी गाड़ी जो है वो आहिस्ता चलाई। हम जद्दा से इतनी दूर फॉग देखने तो आते हैं सुधा माउंटेन पर, क्योंकि जद्दा में तो बहुत ही गर्मी होती है। फिर हम रास्ते में उतरे फॉग का मज़ा लेने के लिए, बहुत इंजॉय किया हमने। अब हम फॉग देखने के लिए उतर गए हैं। कितनी फॉग है यहाँ पर, फॉग जो है वो हमारे पास से गुजर रही थी। इतनी सर्दी लग रही थी, मैं तो नाक शेल हो गई थी। जद्दा से अभा जाने में हमें 11 to 12 और लगते हैं। रास्ते में हम बहुत इंजॉय करते हैं। अभी सोकर उठे हैं, आप देख सकते हैं कितना कचरा हो गया बिल्कुल। तो ये हमने नया एयरबड लिया है, इसके ऊपर मैं और मामा सोए। तो अब हम जो है वो मुँह हाथ धोएंगे, उसके बाद बारबी को करेंगे रात के वक्त, अभी तो दिन है। अभी हम सबसे पहले जो है वो खाने की जगह चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक छुट्टा आया था पुलिस, उसने बोला कि यहाँ पे ममनू हो गए, हमारे से हमारा खेमा छीन लिया जा रहा है। अब हम 10 किलोमीटर दूर जाएंगे दोबारा, वहाँ पर खेमा लगाएंगे और फिर बात भी की। अभी अभी जो है वो भिंडी बनाई है, ताजी ताजी है, और दही बनाया है, और ये सैलेड मैंने बनाई है, और साथ चटनी लाए हैं। अभी हम सोदा माउंटेन के ऊपर है, यहाँ पर इतना अच्छा व्यू आ रहा है माउंटेन का, सामने रोड जा रही है।
ये जो रोड है वो माउंटेन के ऊपर बने हुए हैं, ये बहुत ही डेंजरस है। और ये जो बड़ा वाला माउंटेन है इसके ऊपर भी रोड बने हुए हैं, लेकिन वो आपको नजर नहीं आएंगे। हम यहाँ से भी गुजर के आए हैं। इस वक्त जो है वो हम सोदा पहाड़ में जो है सबसे ऊपर हैं, उधर से हम आपको जो है वो ये रोड दिखा रहे हैं। और ये रोड जो है वो जगह जगह से कर्व जिगजैग है। इस रास्ते से होकर हम हमेशा जो है वो सोदा पहाड़ में आते हैं इंजॉय करने और पिकनिक के लिए। हम इस वक्त जो है वो बहुत ऊंचाई के ऊपर हैं। आप देख सकते हैं नीचे जो है वो शहर नजर आ रहा है। वैसे यहाँ पे ज्यादा आबादी तो नहीं है। सुबह सुबह सोदा पहाड़ के ऊपर जो है वो फॉग आती है, रोजाना आती है तकरीबन। ये देखे हम इतना ऊपर है, गाड़ियाँ जो है वो कितनी छोटी छोटी सी नजर आ रही है। हम बहुत ऊपर है इस वक्त। रोड जो है वो कैसे जिगजैग होकर नीचे जा रहा है। अब हम जो है सुधा माउंटेन से दोबारा मिसान जा रहे हैं, क्योंकि सुधा माउंटेन के ऊपर इन्होंने टेंट लगाना और बारबेक्यू करना मना कर दिया है। इन्होंने सुधा माउंटेन अबा वगैरह में इसलिए मना किया था क्योंकि सोदिया में ना एक शहर है तनुमा, वहाँ पर बारबेक्यू करते वक्त ना किसी से आग लगी, तो 15 दिन तक जो है वो आग लगी रही, इसलिए इन्होंने जो है वो मना कर दिया बारबेक्यू वगैरह करने से, खैमा लगाने से। फिर हमने सुधा माउंटेन से मिसान जाने का सफ़र जो है वो जारी रखा। रास्ते में हमारे साथ जो है वो ट्रेजडी हो गई मिसान के रास्ते में, वो देखने के लिए आप हमारी वीडियो को पूरा देखें लास्ट तक। हम इतनी दूर से अब हमें जो है वो एंजॉय करने आए थे, पिकनिक करने आए थे, लेकिन यहाँ पे इन्होंने ममनू कर दिया गवर्नमेंट ने, तो हम फिर मिसान गए। लेकिन हमें मिसान में बहुत ज़्यादा मज़ा आया, हमने मिसान में जो है बहुत इंजॉय किया। हमने मिसान में बारबेक्यू किया, वहाँ पे हमने पाए बनाए, वहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी थी। सुधा माउंटेन के ऊपर बहुत सर्दी थी और मिसान में बहुत सर्दी थी, लेकिन सुधा माउंटेन के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा फोग थी। हम रास्ते में जो है बहुत सी शहरों में जो है वो स्टे किया, हम विलेज गाँव के अंदर गए, वहाँ पर हमने फ्रूट तोड़े। हम मिसान गए, अबहा गए, अलबहा गए, और निसाद, अबहा, अलबहा गए, ताइफ गए। हम बहुत सी जगहों के ऊपर गए फ्रूट तोड़ने के लिए, इंजॉय करने के लिए। हमने रास्ते में पियर तोड़े, रेड एप्पल, ग्रीन एप्पल, सिट्टे और अंजीर तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही थी। हम फिर जो है वो होटल में ठहरे 1-2 दिन के लिए। हमने होटल में जो है वो दाल बनाई, चावल और हलवा बनाया। पापा ने बनाया था हलवा वगैरह सारा कुछ खाने के लिए। हम जब भी पिकनिक पे जाते हैं पापा ही कुकिंग करते हैं, पापा बहुत अच्छी कुकिंग करते हैं। और हमने दाल के लिए बघार बनाया था, तब हम इसके अंदर जो है बघार ऐड करते हैं। और अब हम इसे जो है वो ढक के रख देंगे 5 से 10 मिनट के लिए। हमने जो है वो यहाँ पर चावल बनाए थे, दाल, हलवा। आप देख सकते हैं चावल कितने अच्छे बने हैं। तो अब हम इसे जो है वो ढक देंगे और अब हम चलते हैं भाई के मौसम की तरफ। ये देख सकते हैं अभी तो वैसे थोड़ी सी धूप है, लेकिन हवा जो है वो बहुत ही ठंडी ठंडी चल रही थी, धूप तो बिल्कुल फील ही नहीं हो रही थी। अब हमारे जो है दाल, चावल, हलवा और सैलड बिल्कुल रेडी हो गई है, आप देख सकते हैं। तो हम इसे जो है थोड़ी देर तक खाएंगे। अब चाय भी आ गई है, तो अब हमें जो है वो 2 दिन हो गए हैं होटल में, तो अब हम जो है वो सामान की सारी पैकिंग कर ली है, तो अब हम थोड़ी देर में निकलेंगे यहाँ से। यहाँ पर बाहर बहुत सर्दी हो रही है, यहाँ पे मैं विंडो ओपन करती हूँ, विंडो ओपन कर ली है। ये बाहर उन्होंने बालकनी बनाई है। अभी तो वैसे धूप हो रही है लेकिन सर्दी भी बहुत हो रही है। तो मैं बालकनी में अब चलती हूँ। हमने मोबाइलों को जो है चार्जिंग के ऊपर लगाया हुआ है और
आप किचन में आते हैं, ये किचन है और ये फ्रीजर, फ्रीजर से सारे सारे नहीं फायर नहीं है ये क्या है? ये है क्या? अभी ये भैया पापा सामान लेकर जा रहे हैं। ये ऊपर जाने की सीढ़ी हमारा फ्लोर है, वो फर्स्ट पे है। और ये हमारा रूम है, वहां पर मैं सोती हूँ, इधर भैया, और ये मेरा बैग है, और एक और मेरा यहाँ पर बैग है। पाया पहनने लगी सबसे पहले तो बैग के अंदर बबल रखी हुई है खाने के लिए। मेंटोस है, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। निशान के रास्ते में हमारी गाड़ी जो है वो थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, तो हमने गाड़ी को जो है वो वेंच के ऊपर लोड किया और फिर हम जो है वो ताइफ आ गए, क्योंकि निशान के रास्ते में कोई भी जो है वो मैकेनिक वाली दुकान नहीं खुली थी, फिर हमें ताइफ ही आना पड़ा। फिर हम ताइफ में हमने वन डे जो है स्टे किया होटल में, फिर हम दोबारा जो है पिकनिक के लिए निशान आए। हमारा सफ़र जो है गाड़ी ख़राब होने की वजह से 2 घंटे की बजाय 1 दिन का हो गया था, क्योंकि हमें वन डे जो है वो होटल के अंदर स्टे करना पड़ा और फिर गाड़ी को जो है वो ठीक होने में भी काफ़ी देर लग गई थी। अगर आपको मेरी आज की 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट होने की सेलिब्रेशन की वीडियो अच्छी लगी है, तो नेक्स्ट वीडियो पर जाने से पहले मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और मुझे आप लाजमी कमेंट बताना कि आपको मेरी आज की पिकनिक की वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।